नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस समय सुबह के 7:50 हो रहे हैं और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के काफ़ी प्रसिद्ध घाट जिसका नाम है राजघाट। और जैसा कि आप जान ही रहेंगे, हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल रहा है जी, जो कि वाराणसी का जो जल स्तर है काफ़ी तेज़ी गति से इसमें बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको बैक कैमरा से दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको राजघाट का आपका नज़ारा दिखाऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा नमो घाट, यानी कि जिसका नाम आपका है खिड़किया घाट। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक त्रिमुहानी है। ठीक है दोस्तों, ये जो बाएं साइड वाला रोड है ये आपका चला जाएगा। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये आपका मंदिर है, संत रविदास मंदिर। और इस साइड पीछे साइड में जाएंगे तो आप चले जाएंगे आपका नमो घाट के लिए। तो उस साइड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसी साइड से आपको दिखा देते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और तारीख के बारे में बात किया है तो आज आपका है 28 अगस्त। और इस साइड देखेंगे तो इस साइड पूरा जो राजघाट का जितने भी आपके सीढ़ियाँ थे पूरी तरह से डूब चुका है। अब सड़क पर गंगा का पानी जाने को बेताब है। ये देख रहे हैं साइड पूरा आपका टोटल पूरा आपका डूबा हुआ है। हेलो, ये देख रहे हैं बहाव काफी जबरदस्त है। ये देख रहे हैं इस साइड में, देख रहे हैं पूरा एक बराबर हो गया ये पानी। अब ज्यादा गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो आपका आएगा ये रोड पर। हालांकि देखा है तो इस समय गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से जो कि जितने भी नाव है वो ये किनारे आपका खड़ा हुआ है, नाव फिलहाल चल नहीं रहा है। और यह नाव जो चल रहा है काफ़ी इमरजेंसी में आपका चल रहा है और इस समय नहाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि इस गंगा जो जल स्तर है इसमें न नहाए। ये देख रहे हो पूरा घाट डूब चुका है। और ये जो सामने जो देख रहे हैं इसमें आपका लाइट लगा हुआ है, एक तरह से देखा है तो आपको बिजली का खम्भा बोल सकते हैं, मॉडल बिजली का खम्भा। तो चलिए इस साइड से होते हुए, यानी कि राजघाट से होते हुए हम लोग चलते हैं नमो घाट। और कोशिश करूंगा कि जहां पर आपका सूर्य नमस्कार करते हुए जो कि हाथ को बनाया हुआ है मैं वहां पर ले जाने की कोशिश करूंगा। वर्तमान समय में देखा है कि दो दिन पहले से ही, यानी कि जब मैंने इसका अपडेट दिया था उसी दिन से उस साइड जाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। जिसके इसलिए भी वर्जित किया है कि गंगा का जलस्तर काफ़ी तेज़ी गति से इसमें बढ़ रहा था और बहुत से लोग हैं जो कि वहां पर स्नान भी कर रहे थे, कोई दुर्घटना न घटे इसकी वजह से वहां पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करना पड़ा।
चलिए थोड़ा इस साइड से भी दिखा देते हैं। इस साइड भी कुछ लोग हैं जो कि स्थानीय लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। देख रहे इस साइड, और यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था है सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस साइड देखिए सामने सीढ़ी है, यानी कि इस सीढ़ी के माध्यम से आप काशी रेलवे स्टेशन के लिए भी जा सकते हैं और राजघाट पुल पर भी। वर्तमान समय में देखा जाए तो जो गंगा का जो जल स्तर है वो चेतावनी बिंदु के ऊपर इस समय बह रहा है। आपको मैं जूम करके भी दिखाऊंगा और बहाव काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देख रहे दोस्तों बहाव, और सामने देख पा रहे होंगे जो कि देखिए उस साइड आपको दिखा रहे हैं चेतावनी बिंदु के ऊपर जो कि गंगा का जो पानी है वह आपका बह रहा है। यार इतना ज़्यादा बहाव है कि अभी फ़िलहाल एकाक या दो दिन पहले सीएनजी स्टेशन भी अगले बह जाता है, और मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा क्योंकि वहां पर देखेंगे ना पूरा रस्सी से आपका पूरा बंधा हुआ है सीएनजी स्टेशन। ये देखिए पानी जो देख रहे हैं पूरा यहां तक आ चुका है, और आपको बता दें कि जो पार्किंग एरिया है पार्किंग एरिया फिलहाल बंद कर दिया गया। यहाँ पर देख रहे पूरा आपका एक जैसा ही देख रहे होंगे जो कि इस एरिया को घेर दिया गया है, यानी पार्किंग एरिया आपका बंद कर दिया गया है जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, और उस साइड भी जाना आपका वर्जित कर दिया गया है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि आपका उस साइड जा रहे हैं आनंद लेने के लिए। और देखिए सीएनजी स्टेशन जो है उसे आपका रस्सी से बांधा गया है, जो कि यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि इस साइड एक रस्सी है, और एक देखिए उस साइड पेड़ के पास ये देख रहे हैं, यानी कि काफ़ी हैवी आपका रस्सी से बांधा गया है पेड़ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे से भी आपको दिखाते हैं तो बने रहिएगा। यहाँ पर एक देखिए क्रेन है, और क्रेन में भी आपका रस्सी बंधा हुआ है, यानी इतना ज़्यादा बहाव है काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी मोटा रस्सी है यहाँ पर इससे बंधा हुआ है सीएनजी स्टेशन। सामने आपका है अवरेश्वर भगवान रामघाट, और इस समय देखा जाए तो जो सीएनजी स्टेशन का जो मेन पाइपलाइन है वो टूट गया है और फिलहाल अभी जोड़ा नहीं गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस साइड आपका पूरा सीएनजी स्टेशन पूरा जुड़ा हुआ था, वो हालांकि देखा है तो दो तीन दिन पहले ही वो टूट चुका था क्योंकि बहाव इतना तगड़ा था, लेकिन बस खाली से गंगा नदी में रोकने के लिए ये पूरा आपका रस्सी पूरा बंधा हुआ है। ये देख रहे हैं चारों तरफ आपका रस्सी पूरा बंधा हुआ है। चलिए इस साइड से बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं आगे उस साइड, ये देख रहे हैं इस साइड में देखिए आपका पानी पूरा लबालब भरा हुआ है, और ये पूरा गेट तक देखिए पूरा पानी आ चुका है, और ऊपर से आपका ट्रेन गुजरते हुए बहुत से लोग हैं जो कि गंगा नदी का नज़ारा ऊपर से भी ले रहे हैं। ये देख रहे हैं कुछ लोग हैं, और सामने आपका है जल सब वाहिनी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस समय फिलहाल जो आपका नमो घाट है जिसे खिड़किया घाट के नाम से जाना जाता है, वर्तमान समय में देखा जाए जो आपका सूर्य नमस्कार करते हुए जो आपका प्रतिमा बना हुआ है नमो घाट पर वह पूरी तरह से उस एरिया में जाना वर्जित कर दिया गया है, और यह जो वर्जित हुआ है ये आपका 26 अगस्त से हुआ है। और आपको बता दें कि जो पार्किंग एरिया है उसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो आगे जाने के बाद इस साइड आपका है सीएनजी स्टेशन, तो सीएनजी स्टेशन आप आ सकते हैं ऑटो रिक्शा में, जो आपका ईंधन लगता है सीएनजी वह भरा सकते हैं, वो बंद नहीं हुआ है। और रेट के बारे में बात किया जाए आपका 86 रुपये 14 पैसा है, यह है नज़ारा।
और कोशिश करूंगा कि वहां पर मैं लेकर चलूं और देखते हैं परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका गेट बंद हो गया यानी कि आप उस साइड जा नहीं सकते हैं, तो पार्किंग एरिया भी फिलहाल जब से ये बंद हुआ है तब से पार्किंग एरिया भी आपका बंद हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल खाली हम ही लोग के लिए यानी कि जो रिपोर्टर हो गया या फिर यूट्यूबर हो गया वो उन्हीं लोग के लिए ये खुल रहा है आपका गेट, और आम आदमी के लिए यह जो है इस एरिया में नहीं खुल रहा है। और जो यहाँ का जो कर्मचारी है बस खाली उन्हीं के लिए है यानी कि अलाउ इस घाट पर आना। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यानी कि इस साइड आएंगे आपका समय भी बर्बाद होगा, काफ़ी दूर दराज से भी आएंगे, और ये सब पूरा जो जितना भी आपका ये वर्जित किया गया है ये आपका गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से हुआ है। तो आगे मैं लेकर चलता हूँ, आगे से मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो सामने जो देख रहे हैं ये आपका एक सरकारी कार्य हेतु ये एक पानी टंकी है जो ट्रैक्टर पर आपका ज्वाइंट है, और उस साइड आपका क्रेन है, और उस साइड भी आप देख पा रहे होंगे यानी कि जितने भी आपके खुदाई के जो मशीन है आपका आ गया है ऊंचे स्थान पर। ये जो जितने भी आपके ये मशीन थे ये थे आपका नमो घाट फेज टू पर यानी कि आपका कार्य हो रहा था, जो कि वह बाढ़ में पूरी तरह से वह डूब चुका है, और पूरी तरह से डूबने के कारण आपका इस साइड आपका ले आकर शिफ्ट किया गया है। और इस साइड आपका है गोवर्धनधारी मंदिर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है नज़ारा कुछ इस प्रकार। इस समय वाराणसी के मौसम के बारे में बात किया जाए तो मौसम देख रहे हैं काफ़ी बदली टाइप का मौसम है, चाहे जब ना आपका बारिश हो जाए। और नमस्कार करते हुए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये देखिए नमस्कार करते हुए जो आपका प्रतिमा है वो लगभग आधा से ज़्यादा डूब चुका है। और आपको बता दें कि ये जो तीनों जो प्रतिमा है इस साइड ये देख रहे हैं ये एक पुरुष का प्रतिमा है, और बीच वाला जो है ये एक छोटे से बच्चे का है, और ये है एक महिला का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर आपका जो कि कंगन पहना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और पानी जो है पूरी तरह से यह नमो घाट है पूरी तरह से डूब चुका है, मात्र देखा है तो आपके दो सीढ़ियाँ ही बचे हुए हैं, एक ये एक ये, यानी कि और भी गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो आपका रोड तक आ जाएगा पानी, यानी कि इस रोड तक, ये देख रहे हैं इस साइड। ये देखिए ये है नज़ारा कुछ इस प्रकार, और सीएनजी स्टेशन मात्र देखा जाए तो गंगा नदी में फिलहाल उसी तरह आपका है, क्योंकि इस समय गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, नाव भी नहीं चल रहा है, और सीएनजी का जो गैस पाइपलाइन है वो भी टूट चुका है, तो फिलहाल काफ़ी भारी भरकम चीज़ है, उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ये देख रहे हैं गंगा का बहाव काफ़ी ज़बरदस्त बहाव है, और इस बहाव में बहुत से गाँव हैं जो कि वह भी आपका डूब चुका है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो आपका उस साइड यानी गंगा उस पर जो आपका डोमरी गांव है उसमें भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने अपडेट दिया था, और फिलहाल आज के बारे में बात किया है तो उस साइड का भी काफ़ी बुरा हाल है। और देखिए इस साइड देख रहे हैं यानी कि आगे जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा था वो चल रहा था आपका खिड़किया घाट या फिर कर लीजिए या फिर नमो घाट कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि इसका पहले पुराना नाम था खिड़किया घाट, अब जब से ये बनकर तैयार हो गया है अब सब लोग इसका नमो घाट नाम से पुकारने लगे हैं। ये देख रहे इस साइड देखिए, हालाँकि खिड़किया घाट का कुछ हिस्सा आपका बचा हुआ है फेज वन का, फेज टू का आप देखेंगे तो इस साइड एक रास्ता भी था यानी कि जो भारी भरकम आपका गाड़ी खुदाई के लिए जाता था, ट्रैक्टर जाता था, बहुत सी चीज़ें जाती थी, जो कि पूरी तरह से वो फेज टू जाने के लिए था वो बना हुआ, लेकिन पूरी तरह से आप देख रहे हैं पूरी तरह से वो डूब चुका है। और इस साइड देखिए बहते हुए यानी कि एक किनारे कर दिया गया है, ये जो आपका ये तैरता हुआ स्विमिंग पूल है उसे भी देखेंगे तो पेड़ में कई रस्सियों से पूरा बंधा हुआ है कि यानी कि यह भी बह ना जाए, यानी कि बहाव काफ़ी ज़बरदस्त है। चलिए तो इस साइड से भी थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देते हैं। और आपको बता दें कि ये देख रहे हैं एक प्रवेश द्वार है ये खिड़किया घाट आने पर, जिस प्रकार देखिए इस साइड आपका प्रवेश द्वार बना हुआ है उसी प्रकार देखिए आपका उस साइड भी बना हुआ है, वो देख रहे हैं उस साइड। और फिलहाल मैं जिस प्रकार ये एक
जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। उसी प्रकार देखिए जो ये सामने देख रहे हैं, उसी प्रकार आपका नीचे भी कई सारे बने हुए थे जो कि वह भी आपका पूरी तरह से डूब चुका है, बस खाली ऊपर का शिखर ही नजर आ रहा है। ये देखिए जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, इस साइड है एक वो साइड है, ये है नजारा कुछ इस प्रकार। और सीएनजी गैस पाइपलाइन का जो एक पाइप लगा हुआ था, यानी कि इस साइड से पूरा सीएनजी स्टेशन तक, वो देख रहे टूट गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।